हेलो माय डियर फ्रेंड्स आज हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर से यानी श्वसन तंत्र से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और सारे एमसीक्यू इसमें हमने डाले हुए हैं ये पार्ट वन है उसके बाद पार्ट टू हम लोग फिर देखेंगे तो रेस्पिरेशन के चलिए फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट इसमें करेक्ट है तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड फूड से एनर्जी रिलीज करने की एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन टेक प्लेस इंडिविजुअली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक स्टेम रूट्स लीवस एक्सेट्रा द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लो इन प्लांट्स वेर एश इट इज फास्टर इन ह्यूमन एनिमल्स तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये ऑप्शन हमें देखना है करेक्शन नंबर वन भी सही है रेस्पिरेशन प्रोसेस इज रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इसीलिए होता है चाहे ह्यूमन में हो या फिर प्लांट में हो रेस्पिरेशन टेक प्लेस इंडिविजुअली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ये भी होता है प्लांट्स में भी होता है स्टेम में भी रूट में भी लिप्स में भी क्योंकि सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसमें द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लो इन द प्लांट्स ये भी सही है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स में स्लो होता है जबकि स्लो होगा एनिमल्स में फास्ट होता है क्योंकि एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसका प्रोसेस भी स्लो होता है कौन सा इसमें करेक्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बॉन्ड एंड थ्री करेक्ट वन एंड टू करेक्ट अब ये सी पार्ट होगा यहां पे बॉन्ड टू एंड थ्री बूथ ऑल आर द करेक्ट सेकेंड नेम द प्रोसेस थ्रू विच मच नीडेड ऑक्सीजन इज सप्लाईड टू ऑल द सेल ऑफ प्लांट्स नेम द प्रोसेस थ्रू विच डिफ्यूजन नीडेड ऑक्सीजन इज सप्लाई ऑल डू प्लांट से पहुँचता है डिफ्यूजन से एंडोमोसिस से या एजोमोसिस से या फोटोसिंथेसिस से तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा डिफ्यूजन से प्लांट में डिफ्यूजन से ही ऑक्सीजन जो है पहुँचता है नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर थर्ड ड्यू टू वाटर लॉगिंग वाटर लॉगिंग से ऑप्शन है एन एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉयल ऑक्सीजन बिकम्स अनअवेलेबल टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स प्लांट्स रेस्पायर अनुकली बिच प्रोड्यूस एल्कोहल एंड देम ऑल ओवर करेक्ट तो वाटर लॉगिंग के लिए इसमें डी सही है ऑल ऑफ करेक्ट। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रो रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में होता है वो किसके उस पर होता है पहला है स्टोमेटा से दूसरा होता है लेंटेल से तीसरा होता है बोथ और चौथा होता है ओनली ए से तो अगर रेस्पिरेशन इन प्लांट देखा जाए तो रेस्पिरेशन इन प्लांट में अगर ऑप्शन हम करेक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा वो सी होगा जो हमने कर देखा है बोथ ए एंड बी बिल्डर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कि कौन सा करेक्ट होगा फाइव नंबर क्वेश्चन का है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेस्पिरेशन टेक प्लेस बोथ डे एंड नाइट फोटोसिंथेसिस ऑकर्स ड्यूरिंग डे टाइम ओनली बूथ एंड भी करेक्ट नाइटर एंड भी करेक्ट तो फोटोसिंथेसिस डे और नाइट दोनों में ही होता है और ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है एक्स्परेशन तो डे एंड नाइट दोनों में ही होगा लेकिन फोटोसिंथेसिस जो होगा वो डे टाइम में होगा तो बिल्कुल सी विल बी द करेक्ट आंसर सी आपका करेंथ है बोथ एंड सी एंड बी इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फ्रॉग ऑन द अर्थ एंड इन वाटर रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो फ्रॉग का है वो अर्थ पे और वाटर पे दोनों बताना है क्योंकि अर्थ पर और वाटर में दोनों ही रहता है फ्रॉग तो पहला इसका है लंग्स होगा या स्किन होगा या गिल होगा या बूथ एंड बी होगा तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा बूथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट सही है यानी आंसर नंबर डी सही है क्यों सही है क्योंकि जब फ्रॉग यानी मेढक अर्थ पे रहता है तो वो लंग्स का यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए और जब फ्रॉग वाटर में रहता है तो वहां पे स्किन का यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वेरियस मेथड यूज बाई प्लांट्स टू गेट रीड ऑफ देयर वेस्ट प्रोड्यूस आर गैसियस वेस्ट थ्रो द एस्टोमेटा एंड लेंट्रीशिल्स स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाई सीटिंग लिप स्पीलिंग ऑफ बार्क

से द्वारा जो सेक्रेटर सेक्रेटरी जा, किया जाता है वो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाटर वेपर या ऑल पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट मीनस डी होगा ये सारे ही इसमें द्वारा किए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी किया जाता है ऑक्सीजन भी किया जाता है और वाटर भी वेपर भी किया जाते हैं विच ऑफ आर स्टेटमेंट आर करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है द नेट गैसियस एक्सचेंज इन ए लिवस एट नाइट इज ऑक्सीजन डिफ्यूजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन आउट नेट गैसियस एक्सचेंज डूरिंग द डे टाइम इज ऑक्सीजन एंड डिफ्यूजन आउट कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन इन द नेट गैसियस एक्सचेंज इन लिव्स एट ए नाइट इज ऑक्सीजन डिफ्यूजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट की जाती है तो नाइट टाइम में फर्स्ट नंबर्स जो है करेक्ट और ये आपका ऑप्शन नंबर टू एंड सी बोथ भी करेक्ट है दोनों ही सही है फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही नंबर टेन यहाँ पे देखेंगे नेम द नेम एंड एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल ऑफ द रूस विच इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सॉयल जो सॉइल के कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट रूट रहती है उसी का हमें नाम बनाना है हेयर रूट इंटर इंटरब्रोर्स रूट्स या बंडल रूट या पिच रूट जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट मीन्स ए रूट हेयर जो होती है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होती है किससे से रूट हेयर नेक्स्ट नंबर होगा एलेवन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थ बॉम किचुआ यानी जो होता है हम लोग हिंदी बोलते हैं किचुआ को तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थ बॉम अर्थबॉम का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है पहला स्किन है लंग्स है गिल्स है या फिर नन है जो एसपी ऑर्डन जो होगा अर्थ बॉर्म का वो स्किन होगा दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी करेक्ट तो हम लोग देखेंगे उसके बाद विच ऑफ नेक्स्ट के बाद हमें देखना है अब हो गया है ह्यूमन बॉडी का अर्थ बॉर्म का हमने देख लिया था ट्वेल्व नंबर हमें क्वेश्चन देखना है रूम फॉर फिल अप द एयर इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में एयर को स्टोर करने के लिए एयर को फिलअप करने के लिए स्कील होता है गिल्स होता है या डायफ्राम होता है तो ईयर को फिलअप करने के लिए डायफ्राम का यूज किया जाता है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो शी होगा वेट ऑफ द ह्यूमन लंग्स ह्यूमन लंग्स का वेट का होगा टू पॉइंट फाइव के जी थ्री के जी वन पॉइंट थ्री के जी या फिर थ्री पॉइंट फाइव के जी तो ह्यूमन लंग्स का जो वेट होगा एग्जैक्ट वो लगभग वन पॉइंट थ्री के जी होगा वन पॉइंट थ्री के जी जो कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का लंग्स नेक्स्ट है विच इज नोन एज द लंग्स ऑफ प्लांट्स प्लांट्स के लंग्स कौन है स्टेम है रूट से एस्टोमेटा या फिन है तो लंग्स जो होते हैं प्लांट के प्लांट के फेफड़ा कहा जाता है सी यानी एस्टोमेटा कहा जाता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द फिश मछली का जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वो लंग्स है किडनी है स्किन है या फिर गिल है तो फिश के लिए मछली जो होती है वो गिल्स सांस लेती है डस्टबिन डी ऑप्शन भी भी करेक्ट होगा तो यहाँ पे गिल्स होगा मछली फेफड़ों से सांस लेते हैं यहाँ पे हम लोग देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थैंक यू